जानिएगा रांची है, तूफानों से निकली है आंधी है, सुन मेरी जानिएगा रांची है, तूफानों से निकली है आंधी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीसी सरकार। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चाहिए कि आज हमें बात करनी है आवाम में। अभी आप देख रहे हैं मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, आपको बड़ा अजीब लग रहा है, मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो भाई हमें आवाम को मोटिवेट करने के लिए है कि हम जब भी लाइव लाइव करें या फिर किसी भी लाइन कहीं से भी जाएँ, सफ़र करें, तो हमें रोड का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हम जब रोड का ख्याल नहीं करते ना, जब हम ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं तो इस वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं, और इस वजह अगर हम लेट हो रहे होते हैं और जल्दबाजी जो हमें होती है ना, तो हम अपनी जल्दबाजी के चक्करों में बहुत सारे लोगों को ले फंसते हैं। तो फाइनली आप जब भी सफ़र करें तो रोड का ख्याल करें, उससे एक्सीडेंट भी कम होंगे, और साथ साथ ये कि आप जल्दी घर पहुँच सकेंगे। तो आप मैं जहाँ बैठा हूँ आपको दिख रहा होगा कि मेरे बराबर जो लोग गुजर रहे हैं, इधर से लोग गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। अभी आप 5 सेकंड वेट करें, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक हो जाती है। हालांकि मेन रोड जो है वो सामने वाला है, मेन रोड जो है वो सामने वाला है, और वहाँ से लोगों को आना जाना चाहिए। वो रोड देखिए बिल्कुल खाली है और वहाँ से लोग नहीं आते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल मतलब एक ग्रीन बस यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो यहाँ से ग्रीन बस बन जाएगा। तो फिर यहाँ से आप देखिएगा का ये जो लाइन बनी हुई है वो कराची ग्रीन लाइन बस की है, ठीक है। तो यहाँ से लोग आना जाना करते हैं, हालांकि गाँव में ट्रैफिक हो चुकी है, यहाँ से बस स्टैंड है, लोग यहीं से आना जाना करते हैं। तो सुधारा इस चीज़ पर थोड़ा फोकस क्या करें, जब भी रास्ते में जाएँ अपने रास्ते ब्लैक करें, इतना ज़्यादा कोई और रास्ता ब्लैक ना करें, इससे और कोई प्रॉब्लम हो और आपको भी प्रॉब्लम हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, मैंने बहुत जल्दी से बताई है कि और शायद मैं रिफाइन नहीं कर पाया, तो आप लोग समझदार हैं, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। जितने आपके तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।